वास्तु टिप्स टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम हाउस। कईयों के घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, एनर्जी स्टेगनेंट रहती है, या फिर आप सिंपल वे में ये समझ जाइए कि भैया वो घर पे रह नहीं पाते, बहुत ज़्यादा उन्हें पैक फील होता है नेगेटिविटी, या फिर नेगेटिव फील होता है, या फिर कला कलेश चलता है। यहाँ नेगेटिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भूत प्रेत आत्मा, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेगेटिविटी इन द सेंस किसी भी तरीके से नेगेटिव माहौल बन जाना, लड़ाई हो जाना, ठीक है, डिस्प्यूट हो जाना, भाई बहन ही लड़ ले रहे हैं, कुछ भी आए दिन कला कलेश हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ हो ही रहा है, फाइनेंसिस की कमी होना, पैसों की कमी की वजह से लड़ाइयाँ होना, या जो भी स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ने बैठ रहे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कहीं और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर मतलब ये कंक्लूड कर दीजिए कि नेगेटिविटी आपके घर में फील होना या फिर घर नेगेटिव होना, उससे क्या कुछ वास्तु टिप्स हम ठीक कर सकते हैं। चार पाँच बस टिप्स हैं, पाँच भी ज़्यादा बोल दिया, चार ही टिप्स हैं छोटे छोटे, जिन्हें आप करके अपने घर को बहुत जोवियल एंड हैप्पी एनवायरनमेंट वाला घर बना सकते हो, नेगेटिविटी को कम्प्लीटली हटा सकते हो। पहले चीज़ ध्यान देना है, ये चीज़ मैं वैसे पूरा फाइव एलिमेंट का बताया, कोई भी एलिमेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, बट स्पेशली आप सब एलिमेंट को तो एक साथ बैलेंस कर नहीं पाओगे, बट स्पेशली ध्यान रहे फायर और वाटर, ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। आग की जगह में पानी आएगा तो भी प्रॉब्लम जाएगा, पानी की जगह में आग आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन वाटर का जोन है, एट द टाइम वहां पर आग की एक्टिविटी होने लग जाएगी, प्रॉब्लम चले जाएगा, आपकी लाइफ डिजास्टर्स बनती जाएगी। नॉट इवन एक्टिविटी, यदि आप वहां पर रेड कलर को ज्यादा इनहेंस कर देते हो नॉर्थ डायरेक्शन में, प्रॉब्लम हो जाएगा। नॉट ओनली रेड कलर, येलो कलर भी सिमिलाइज करता है ऑलमोस्ट फायर को, येलो कलर भी आ जाता है तो भी प्रॉब्लम होने लगता है वहां पर। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में एग्जाम्पल दिया नॉर्थ का, कि जैसे अगर वहाँ फायर की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर अर्थ एलिमेंट भी नहीं आना चाहिए, वहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेड कलर नहीं आना चाहिए, येलो कलर नहीं आना चाहिए, प्रॉब्लम जाएगा। तो ये तो हो गए कुछ कलर थेरेपी के गेम, या फिर एलिमेंटल थ्योरी जिसे कहते हैं एलिमेंट्स का गेम। अब मैं बता रहा हूँ, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, फैमिली डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो जा रही है, मार धाड़ हो जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है एकदम, मतलब छोटा सा जो मतलब छोट बोलते हैं ना, छोटी बात कभी बड़ा पतंगड़ बन के प्रॉब्लम आ जा रहा है, आपको क्या करना है, सिर्फ चार चीज़ें करनी है। पहली जो चीज़ है ये मॉर्निंग के वक्त एक्टिविटी करनी, जो मैं पहली रेमेडी बता रहा हूँ, सुबह उठते साथ, सुबह ध्यान रहे भैया, सुबह आपका सुबह सुबह ही होना चाहिए ना, अर्ली मॉर्निंग 7-8 ये पहले टाइप वाला, ऐसा नहीं कि 11 बजे आपका सुबह हो रहा है, कोशिश करिए सुबह जल्दी उठने की। सुबह आप उठ जाते हो 7-8 बजे उठिए अर्ली मॉर्निंग, उसके पहले उठ जाते हो बहुत ज़्यादा बेटर है। बट एनीवेज, जब भी आप उठो सुबह उठते साथ घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल, सारे दरवाजे सेफली खोलिए, अगर नहीं तो पता चल रहा है कुछ हो गया, चोरी हो रही तो बोलेंगे कि वीडियो पे सर गए। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए सुबह उठते साथ, बाहर की एनर्जीज अंदर आनी चाहिए। अगर जिनके घर में बाहर की एनर्जीज नहीं आती ना, उस घर पर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत लोग बीमार रहने लगते हैं, किसी को कुछ बीमारी रहेगी, किसी का कंटिन्यूएशन में मेडिसिन चलता रहेगा, आए दिन डॉक्टर के पास जाना रहेगा। तो वो चीज़ को अगर अवॉइड करना है सुबह उठते साथ, सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, घर के बाहर की फ्रेश एनर्जी, फ्रेश एयर, सनलाइट, ये सारी चीज़ों को थोड़ा अंदर आने दीजिए। पहली हमें ये चीज़ करनी है, बहुत ईजी, कुछ करने का इसमें ज़रूरत ही नहीं, सुबह उठना बस दरवाजे खिड़की। दूसरी जो रेमेडी है फ्रेगनेंसेस, और फ्रेगनेंसेस है ज़रूरी नहीं कि आप परफ्यूम्स को यूज़ करो या फिर रूम स्प्रे यूज़ करो, कर सकते हो आप रूम स्प्रे यूज़, बेस्ट रहता है लेवेंडर या रोज़ फ्लेवर का आप यूज़ करो। रूम स्प्रे यूज़ नहीं करना चाह रहे हो आप, अगरबत्ती भी यूज़ कर सकते हो, धूप बत्ती भी आता है, शायद धूप बत्ती बोलते हैं अगरबत्ती टाइप का रहता है, उसे भी जला सकते हो। हर कोने में कुछ नहीं, एक एक अगरबत्ती जला दीजिए या फिर सुबह उठकर रूम फ्रेशनर छिड़क दीजिए। प्रेगनेंसेस थेरेपी से कहा जाता है, एज आई टोल्ड यू, प्रेगनेंसेस अगर यूज़ करते हो लेवेंडर या रोज़ मॉर्निंग के टाइम, रजनीगंधा अंधा ऐसे वाला यूज़ नहीं करना है, रजनीगंधा मोगरा कुछ तो भी ऐसे बोलते हैं, वो सब यूज़ नहीं करना, रोज़ या लेवेंडर बेस्ट रहता है, माइंड को ऐसे शिफ्ट करता है वो। तो हमें ये दो रेमेडी हो गई, बहुत ईजी है, इस पर भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस या फिर कुछ ऐसे तकलीफ नहीं करना है। थर्ड जो रेमेडी है, सुबह उठकर आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिस भी धर्म से, आप अपने धर्म का कोई भी एक धार्मिक, आप वहाँ पर मंत्र वगैरह का चैंटिंग चालू कर दीजिए, पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेट अस सपोज आप हिंदू लोग के लिए मैं बात करूँ, वैसे धर्म पर मैं नहीं करता बट फिर भी नॉर्मली बता रहा हूँ, सिखिज्म से आप बिलोंग करते हैं तो आप एक ओंकार का भी पाठ चला सकते हो, हिंदुज़म से आप बिलोंग करते हो बेस्ट रहता है गायत्री मंत्र, इसके अलावा और कोई मंत्र भी चला सकते हो बट बेस्ट, एक्चुअली गायत्री मंत्र बाय डिफॉल्ट हर के लिए वर्क करता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो। मैं ऐसा जाति धर्म करता नहीं, बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे लेट अस सपोज आप हिंदुज़म से बिलोंग करते हो, सुबह उठ जाओ, नहा धो लो, गायत्री मंत्र पढ़ ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ नहीं पा रहे हो आप उसे
हाँ स्पीकर पे लगा दीजिए, वैसे चैंटिंग बॉक्स आता है आप उसे हर रूम पे लगा दीजिए, ऑन कर दीजिए, वॉल्यूम वाले जीरो कर दीजिए, वो आपको सुनाई नहीं भी देगा तो भी वो वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके ऑरा को क्लीन करता है, ऑरा में जो नेगेटिविटी रहती है उसको हटाता है। गायत्री मंत्र इसलिए मैंने कहा बाय डिफॉल्ट हर के लिए वर्क करता है, बहुत पॉजिटिवली और बहुत सॉलिड वर्क करता है। आप गायत्री मंत्र का चैंट चला दीजिए, आपके पास स्पीकर वाले बॉक्स नहीं, जीरो वॉल्यूम में नहीं चला पा रहे भैया, आप यूट्यूब पे लगा के मोबाइल पे ही चला दो या किसी स्पीकर पे चला दो साउंड बॉक्स पे। ये एक्टिविटी सारे सुबह करनी है कि रिपीटिंग सारे खिड़की दरवाजे खोल देना है। दूसरा जो है फ्रेगनेंसेस यूज़ करना है। तीसरा आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसका एक धार्मिक आपको मंत्र चैंटिंग चला देना है। फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पौधे घर के अंदर तो लगाने ही है पॉसिबल हो, बट अगर आपके घर में ग्रोथ खत्म हो गई है, मतलब ऐसा लगता है ना कि किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत हो पड़ी है, कोई आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब यही कह लीजिए, कंक्लूड ये कर लीजिए कि आपके घर की ग्रोथ खत्म हो गई है, तो उन घरों के छत में प्रॉब्लम है। आप अपने घर के छत में पेड़ उगा दीजिए, जितने पेड़ उगा सकते हैं। कटीले पौधे को अवॉइड करना है और मिल्की ट्री को अवॉइड करना है, बाकी जितने हरे भरे प्यारे प्यारे पौधे उगा सकते हैं अपने घर के छत में पौधे उगा दीजिए। आप कुछ दिन में देखेंगे घर की ग्रोथ होनी चालू हो जाएगी, जो घर के मेंबर्स हैं उनका न्यूरल पैटर्न ब्रेन पैटर्न शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव बोलते थे हर चीज़ में नेगेटिव बातें करते थे, वो अचानक से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये कुछ चारों रेमेडीज़ है, 1 2 3 4, इन चारों को आपको फॉलो आउट करना है। एलिमेंटल के ऊपर अलग से एक वीडियो आएगा, इस पर बताएंगे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, फिलहाल आप ये चारों को फॉलो करिए, बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट डे में ही आपको फील हो जाएगा कि क्या चेंजेस है क्या नहीं है, तो आप इसे करके देखिए और अपने लाइफ में चेंजेस को एंजॉय करिए। इस वीडियो पे कोई भी कन्फ्यूजन है डाउट हो या इसके अलावा भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं, आपका कोशिश करेंगे अगर टॉपिक बढ़िया रहा तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो लाया जाएगा, यदि सबसे रिलेटेड मतलब बहुत लोगों ने उस टॉपिक के बारे में पूछा होगा, अदरवाइज आपकी क्वेरीज कमेंट्स में क्लियर की जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।